सच्चे शंक के सच्चाई की खोज विच सच्चे शंके मन विच उत्पन्न होने कोई अनहोनी गल नहीं सगों बिल्कुल कुदरती घटना है। मन विच शंके पैदा होने ते उन्हां दा निर्णा ना करना सगों अभ्यास विच बड़ी रुकावट पाउंदा है ते मन नूं पूरी तरह अभ्यास विच लगणों रोकदा है। जिथे सिर्फ बहस करन दी लई सवाल जवाब करने कराने सिमरन अभ्यासे लई हानिकारक ते विवर्जित ने उत्थे सच्चे दिली शंके निवृत्त करने अभ्यास कमाई दी सफलता वास्ते अत जरूरी ने। शंका सूखम हालत विच भी अभ्यासी बंदे नूं सच तो परे रखदा ते सच नाल एक मिक नहीं होण देंदा। पहलों पहल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच लिखियां कई गल्लां उत्ते मैनूं बड़े शंके हुंदे सन, जिवें कि ये जग धूएं का पहार तह साचा मानिया के विचार, जां नै किछ जन्मै नै किछ मरै आपन चलित आप ही करै। इस किस्म दे कई शंकियां दे निवृत्त करन वाला कोई हमदर्द नजर ना आउण करके मैं कई वार बड़ा उदास हो जांदा सां। कई वार मैं अपने शंके आम प्रचारकां लैक्चरारां जां ज्ञानियां नूं जो सिख स्टेजां उत्ते पब्लिक नूं उपदेश करदे सन मैं उहनां नूं पुछ के वेख्या, पर क्योंकि उह खुद सिमरन अभ्यास कमाई ना करन करके उच्ची अवस्था दे ना होण करके सगों मेरे शंके सुन के आप ही अपने निश्चय तो डोल जांदे सन। इस करके मैं आम अवस्था दे लोकां सामने अपने शंके रखने बंद कर दिते ते रब ते आस रख के सबर नाल उड़ीकना शुरू कर दिता। गुरबाणी नूं सत्कार नाल पढ़ना ते समझ वास्ते अधीनगी नाल वाहिगुरु जी कोल प्रार्थना करनी, गुरबाणी नूं 16 आने सच समझद्या होया भी अपने सच्चे शंकियां उते ईमानदारी नाल कायम रहना जदों तक पूरी तसली ना हो जाए, यह मेरी खोज दा तरीका सी। शंकियां दे जवाब जदों तक अपने अंदरों ना मिलन उदों तक ना असली अर्थां विच शंके निवृत्त नहीं हुंदे। इंसान दे अंदर जिहड़ी बेपरवाह पूर्ण कला काम कर रही है ना, ये अभ्यासी दे सारे शंकियां दा पूरा जवाब देण दे समर्थ है। पर यह कृपा करके अपनी मर्जी अनुसार ही जवाब देंदी है, इस उते किसे दा कोई जोर नहीं। तुहाडे दिल विच कोई शंका पैदा होया, यह जरूरी नहीं कि उसका जवाब झटपट अंदरों ही आ जाए। कई शंके छेती निवृत्त हो जाते हैं, कई वरिया बद्धी उड़ीकण तो बाद निवृत्त किए जाते हैं। इस संबंध विच कोई एक असूल जां नियम कायम नहीं किया जा सकता। हां, रब की मेहर उत्ते भरोसा रख के प्रार्थना करनी आ ते सबर नाल उन्हां प्रार्थनावां दा नतीजा उड़ीकना, अपने शंके निवृत्त करन दा अभ्यास कमाई विच अगवाई हासिल करन दा बहुत सुनहरी असूल है। कई वार शंके दा जवाब अंदरों बड़ा अजीब आउंदा है जो समझ विच नहीं आउंदा। ऐसी हालत विच मैं चंगी तरह परता के वेख्या है कि समझ वास्ते प्रार्थना जारी रखन नाल कुदरत कई अस्थूल तरीकों नाल अभ्यासी नूं समझाउण दी कोशिश करदी है। उस नूं इहो जिहे महापुरखां नाल मेल कराया जांदा है, जां इहो जिहे किताबां रसाले जां मजमून उस दी नज़र विचों लगाए जांदे ने जो कि आत्मा दे अंदरों आ रहे सूखम जवाबां दी तर्जमानी इंसानी साधारण अखरां विच करके अभ्यासी दे शंके साफ कर देंदी है। मेरा ख्याल है कि अभ्यासी दे कई शंके इहो जिहे हुंदे ने जिन्हां दी निवृत्ति वास्ते उसनूं होर अभ्यास कमाई दी लोड़ हुंदी है, इस वास्ते उहनां दा जवाब अंदरों जल्दी नहीं मिलदा। हालांकि अभ्यासी बंदे नूं कई साल उड़ीक करवाई जांदी है,
जिहड़े शंके फौरन ही निवृत्त करन दे योग हुंदे ने उह फौरन ही समझ आ जांदे ने। पर यह गल अभ्यासी नूं समझ नहीं आ सकती ते उह किसे वेले बड़ा उतावला हो जांदा है। जल्दबाजी ते लालच बंदगी विच बहुत बुरे ने। रब अपने प्यारियां दी योग ते जरूरी लोड़ जिन्हां नाल उन्हां दी आत्मिक तरक्की हुंदी रहे खुद ब खुद पूरियां करदा है। अभ्यासी नूं इह पता नहीं लग सकदा कि उस दे सारे शंकियां विचों उस दी समझ ते उस दे अभ्यास दी अवस्था किस किस शंके नूं पहलां ते किस किस नूं बाद विच पूरियां करेगी। इस वास्ते नानक प्रभ अविनाशी तांकी सेव ना बिरथी जासी। इस गुरवाक अनुसार वाहिगुरु दी इंसाफ भरी मेहर उत्ते भरोसा रख के ते निरपै हो के अभ्यास कमाई कीती जानी चाहीदी है। जिवें के न किछ जन्मे न किछ मरे आपण चलित आप ही करै। इस आत्मिक सच्चाई नूं चंगी तरह समझना छोटियां अवस्थावां दे अभ्यासियां दी समझ तों बिल्कुल बाहर है। इस संबंधी जे शंका होवे तां कुदरती तौर ते बड़ी उड़ीक जां बड़ी लम्मी उड़ीक दे बाद अभ्यासी नूं समझाया जांदा है। जे अभ्यासी अपनी जिद करे कि मैनू इस गुरु के वाक की पूरी तरह समझ हुणे क्यों नहीं आउंदी तां इह उस दी गलती है। उस दा हक है कि वह इस गुरु दे वाक की समझ वास्ते प्रार्थना करे अभ्यास कमाई करे सबर नाल उड़ीके ते जदों तक पूरी समझ ना आ जाए बेशक इस शंके नूं अपने दिल विच नोट करके रखे। पर इस शंके की निवृत्ति करना वाहिगुरु दे इंसाफ अते मेहर उत्ते निर्भर करदा है। शंकियां नूं दूर करना केवल अभ्यासी का फर्ज नहीं कुदरत का फर्ज भी है ते कुदरत अपने फर्ज नूं खूब पछाणदी है। वाहिगुरु दे घर विचों योग ते जरूरी हिदायतां ते सबर समय सिर आपे मिलदे रहिंदे ने। केवल अभ्यासी विच सबर नाल उड़ीकण दी शक्ति होनी चाहीदी है। हां सबर वाले बंदे दी जिंदगी विच एक समा ऐसा जरूर आउंदा है जदों उस दे अंदर कोई भरम जां कोई शंका नहीं रहिंदा। अभ्यासी अते वाहिगुरु विच कोई शंका रूपी विथ ना रहन करके अभ्यासी सच दा रूप हो जांदा है। जिवें श्री गुरु अर्जन देव जी फरमान करदे ने जां कै हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। वाहिगुरु दी किरपा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच थां थां ते लिखिया है ते संत जन महात्मा जन भी हमेशा यही आखदे ने कि रब बंदगी नाल भजन नाल यतन करन नाल हीले वर्तन नाल चलाकी जां चतराई नाल सिमरन करन पूजा करन जप तप जां कालना कालन नाल नहीं मिलदा। ओह उदों ही मिलदा है जदों ओह मनुख ते कृपालू होवे। वाहिगुरु दी प्राप्ति वाहिगुरु दी मेहर दा नतीजा हुंदी है। जिवें श्री गुरु अर्जन देव जी कानड़ा राग विच फरमाउंदे ने जाप ताप नेम सुच संजम ना ही इन विदे छुटकार। जां सतगुरु जी तनासरी राग विच आखदे ने काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए अचिंता। जां फिर गौड़ी राग विच आखदे ने रूप ना रेख ना रंग किछ त्रिहों गुण ते प्रभ भिन्न तिसें बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। अभ्यासी मनुख दे दिल विच कुदरती तौर ते शक पैदा हुंदा है कि जे रब ने सेवा नाल बंदगी नाल यतना नाल नहीं मिलना तां भगती सिमरन जां बंदगी दा फायदा की होया। जदों उस दी मेहर होवेगी आपे ही मिल पवेगा।
इस तरह का नतीजा कढ़ना ते बंदगी छड़ देनी आत्मघात करन दे बराबर है। समुची बाणी नूं पढ़न तों अभ्यासी नूं इह समझ आ जांदी है कि हउमै नाल माण नाल कीती होई बंदगी सिमरन ते जप तप गुरबाणी विच वर्जित ने। हउमै नूं मारना बंदगी दी संपूर्णता है ते जे बंदगी करके हउमै वधे तां फिर ते बंदगी ही आत्मिक तरक्की विच रोड़ा बन गई। गुरबाणी दा भाव यह हरगिज नहीं कि बंदगी भजन जां सिमरन वाहिगुरु दे मिलन दे सब यतन व्यर्थ ने जां बेलोड़े ने, सगों गुरबाणी विच यह गल मुड़ मुड़ लिखी है, सुन सकीए मिल उद्दम करे हा मनाए लै हर कंत है। जां फिर सतगुरु जी इस तरह भी आखदे ने, सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा। जां फिर इस तरह भी, नानक प्रभ अविनाशी तांकी सेव ना बिरथी जासी। जां फिर कहिंदे ने, पतित पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं भन्ने काले, अथवा पूरा न्याओ करे करतार दास अपने को रखनहार। गुरबाणी दे पढ़न तो पता लगता है कि वाहिगुरु बड़ा इंसाफ पसंद ते बड़ा न्यायकारी ते किसे दे कीते हुए यतन नूं भुलाउंदा नहीं, सगों पूरा मुल पाउंदा है। भाई गुरदास साहब का कथन है, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। मान छड़ के बंदगी जा सिमरन कमाई करन नाल वाहिगुरु की कृपालता जरूर उपजदी है ते वाहिगुरु की कृपा नूं प्राप्त करन दा सब तो वड्डा साधन गुरबाणी अनुसार निर्माण होके सिमरन करना ही है। यह गल भी 16 आने सच कि वाहिगुरु की प्राप्ति उसकी कृपा द्वारा ही होंदी है, पर इस कृपा नूं होंद विच लियाउण दी जुगती निर्माण यतन अरदासां अते नाम अभ्यास ही है। गुरबाणी अनुसार वाहिगुरु की सब तो उत्तम सेवा वाहिगुरु की खुशी प्राप्त करन दा साधन सिमरन अभ्यास है, जिस तो रब की मेहर दा दर खुलदा। यह साधन गुरुआं पीरां ऋषियां जां मुनियां दा सदियां तो अजमाया होया साधन है ते इस विच अभ्यासी नूं जरा जिन्ना भी शक नहीं करना चाहिदा। हां, यह उसका हक है कि वह इस संबंधी अपनी पक्की राय इस नूं ईमानदारी नाल वरतों विच लिया के नतीजा वेख के बनावे, पर उस नूं निर्माण अभ्यास करन तों बिना इस संबंधी इतराज करन वाला भाव रखना यह ते बहुत बड़ी बेइंसाफी होवेगी। जिस तरह दो नूं दो नाल गुणा कीतियां नतीजा 4 ही निकलेगा, उसे तरह मेरा यकीन है कि निर्माण होके श्रद्धा पूर्ण ते प्रेम नाल भजन कीतियां सिमरन कीतियां वाहिगुरु की कृपा जरूर प्रगट होवेगी। जिसका जी करे इस गल नूं अजमा के वेख लवे, यह ते एक बहुत वड्डी पक्की सच्चाई है। मेरा ख्याल है कि वाहिगुरु की कृपा की लोड़ सिर्फ बंदगी विच ही जरूरी नहीं, सगों इंसान के सारे यतनां की सफलता वास्ते भावें वह किसी पासे भी लाए जान रब की मेहर बहुत जरूरी है। मैं अपनी जिंदगी विच परता के वेख्या है कि यतना कोशिशां ते कामयाबी दे दरम्यान एक दूरी जरूर हुंदी है जो रब दी मेहर नाल जां वाहिगुरु दी कृपा नाल ही परी जा सकती है। हरेक कोशिश कामयाबी दा दर्जा तां ही हासिल करदी है जदों कुछ सहायता वाहिगुरु वल्लों आवे।
कामयाबी का सब तो वड्डा भेद इस असूल नूं जानना है। हंकार भरी कोशिश का सिट्टा मैं कदे कामयाबी नहीं वेख्या। जे कदे कामयाब हो भी जाइए ना तो पिछों बहुत बुरी तरह डिगना पैंदा। कोशिशां नूं फल भी वाहिगुरू की मेहर नाल लगदे ने। इत्थे इह गल याद रहे कि रब की मेहर उपजण का वड्डा साधन निर्माण ते लगातार कोशिशां ने। फल कोशिश नूं लगदा है पर निर्माण भरी ते सिदक भरी कोशिश नूं। हंकार वाली पखंड वाली जां हौमै वाली कोशिश नूं नहीं। निमाणे हो के सिमरन अभ्यास कमाई विच लग जाण नाल वाहिगुरु की कृपालता कई शकलां विच प्रगट होनी शुरू हो जाती है। जिवें सिमरन विच दिल लगना, सिमरन विचों खुशी जां रस जां आनंद दा आउणा, जां सिमरन विच बैठियां अपने शंकियां दे जवाब सुझणे, जिन्हां तों तसल्ली वधनी ते होर अभ्यास दी चाह पैदा होनी, सतसंगियां दा मिलाप होना ते बेमुखां दी दोस्ती तों दिल उपराम हो जाना, लोड़ अनुसार गुरमुख महात्मावां दा मेल ते अगवाई हो जानी, जां इहो जिहियां किताबां पढ़न वास्ते मिल जाणियां जिन्हां नाल मन दे शंके खत्म हो जाण, धुंधले ख्याल साफ हो जाने, बिरती दृढ़ हो जानी, जिंदगी इस किस्म दी हो जानी जिस विच अभ्यास कमाई अते सत विचार वास्ते काफी समा मिल जाए, अंदरले कपाट खुलदे जाण, रब्बी जोत दे लिशकारे पैण, अपने सरूप की पछाण उदा है, अपना ते वाहिगुरु का संबंध समझ विच आ जाए। यह गल भी प्रगट तौर ते समझ विच आ जानी कि वाहिगुरु सदा कृपालू है। ये सारियां गल्लां उसदी मेहर दियां निशानियां ने जो आत्मिक मंजिल दे मुसाफरां नूं अभ्यास कमाई दे रस्ते विच थां थां ते हर पड़ा ते मिलदियां ने ते उन्हां दे मन नूं धीरज ते उत्साह दिवांदियां रहिंदियां ने। हुआ जदों बच्चा शरारतां करे तां मां उसनूं हउए दा नां लैके डराउंदी है। जिस दा असली भाव बच्चे नूं डराउणा जां भै पीत करना नहीं हुंदा, सगों बच्चे तों शरारतां छुड़ाउणा हुंदा है। जदों बच्चा शरारतां करनियां छड़ देवे तां मां हउए दा डर देना छड़ देंदी है। जे शरारतां छड़ देण तों बाद वी बच्चा होवे तो डरी जाए तां उसनूं मां समझाउंदी है हउआ कोई चीज़ नहीं, मैं ते एवें तैनूं डराउंदी सां, चल मैं आप अनेरे विच तेरे नाल चलनी आ, तूं वी आप चल के वेख हउआ किथे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच माया विच मगन, विकारां विच चूर, दुखां विच कल्पदे जीवां नूं तरसयोग ते लाचारी दी हालत विचों कढ़न वास्ते बुढ़ापे दे दुखां दा डर दे के दुनिया दे झूठे लालच ते मोह वल्लों उपराम करन दे यतन कीते होए ने। इह कोशिश आम तौर ते बड़ी सफल हुंदी है। दुनिया दे दुख, जिंदगी दीआं मुसीबतां, मित्रां दे विछोड़े, पाप, बीमारी ते मौत, एहो जिहियां दुर्घटनावां ने जो इंसान नूं बड़ा ही भै पीत बनाई रखदियां ने, ते इहनां दा नक्शा खिच खिच के मनुख दे दिल विच वैराग पैदा करन दी जुगती श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच अते होर धर्म पुस्तकां विच बड़ी कामयाबी नाल वरती गई है। वेखो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच भगत कबीर साहिब जी इस तरह फरमाउंदे ने, कबीर हाड़ जले ज्यों लकड़ी, केस जरे ज्यों घास, ए जग जरता देख कै भयो कबीर उदास। जां फिर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी इस तरह कुछ बचन फरमान करदे ने, जो तन
तैं अपनो कर मन्यो अर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। जा फिर सतगुरु जी इस तरह आखदे ने कर की नार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर पागी। जा फिर सतगुरु इस तरह भी आखदे ने जो उपजियो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। जा फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक 1429 ते फरमाउंदे ने राम गयो रावण गयो जंग कहो बहु परवार कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यो संसार। अथवा भगत फरीद भी आखदे ने फरीदा जिन लोयन जग मोहिया से लोयन मैं डिठ कजल रेख ना सहंदिया से पंखी सुए बहिठ। पर जदों आदमी दे दिल नू ठेडा लग जाए वैराग पैदा हो जाए दुनिया तो उपराम होके सत मार्ग ते ओ तुरना शुरू कर देवे उदों ही गुरबाणी दुखां मुसीबतां बीमारियां जमा ते मौत दे डर नू लाउणा ते इंसान नू चढ़दियां कलां विच लियाउणा शुरू कर देंदी है। वाहिगुरु दी शरण विच आए पुरुष नू फिर गुरबाणी इस तरह धीरज ते तसल्ली देंदी है ताती वाओ ना लगाई पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगै ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिव लाई राख लिए तिन रखनहार सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। अथवा श्री गुरु अर्जन देव जी भैरों राग विच इस तरह फुरमाउंदे ने उठत सुखिया बैठत सुखिया पौ नहीं लागै जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटां का अंतरजामी। सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तनता कर सुख वस्या बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। जा फिर बसंत राग विच सतगुरु जी इस तरह कहिंदे ने जांकै भगत आनंद मैं जांके भगत कौ ना ही खै जांके भगत कौ ना ही पै जांके भगत कौ सदा जै। जिस वेले गुरु का सिख भगती विच दृढ़ हो जाए तो उसनू गुरबाणी ज्ञान दी दात बख्शनी शुरू कर देंदी सूखम भेद दसने आरंभ दी है जिमें सुधर गए बच्चे नू मां कहिंदी है हवा कोई चीज नहीं वो ते एवें डर बनाया होया सी। इसे तरह गुरबाणी गुरु के सिख नू आखदी है सिखा दुख बीमारी ते मौत असल विच ए चीजां कुछ भी नहीं एवें जीव नू वाहिगुरु वल खिंचण लई बनाए सन इन्हां दी असल विच कोई हस्ती नहीं आत्मा निरलेप है वह कदे दुखी नहीं हुंदी वह कदे मरदी नहीं उसनू कदे बीमारी बुढ़ेपा दुख थोड़ भै जां कमजोरी कदे नहीं आउंदे ये केवल मन की अज्ञानता करके उसनू लगदे ने। नै किछ जन्मै नै किछ मरै आपन चलित आप ही करै। जां भगत रविदास साहब जी इस तरह आखदे ने नरपत एक सिंघासन सोया सुपने पया भिखारी अछत राज बिछुरत दुख पाया सो गत पई हमारी। पर भगत रविदास फिर इस तरह भी समझाउंदे ने कि मनुख विच ते वाहिगुरु विच अंतर नहीं रहिंदा वो प्रभु विच इस तरह लीन हो जांदा जिवें
तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा। श्री गुरु अमरदास जी आखदे ने गुरमुख बुढ़े कदे ना ही जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान। श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने राम नाम मन लागा जम लज्जाए कर भागा। भगत पीपा जी कहिंदे ने काया बहु खंड खोजते नवनिध पाई, ना कछ आएबो ना कछ जाएबो राम की दुहाई। अथवा श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बचन सुना के इन्हां विचारां नूं समाप्त करदे आं। गुरु जी आखदे ने नानक बद्दा करता हां जिथे मृत ना जन्म जरा। गुरु पहले दर्जे ते मैं अपना गुरु श्री अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं समझना। सच्चे अर्थां विच गुरु केवल वाहिगुरु जी नूं ही कहा जा सकता है। सब संसार दी, सब जनतां दी, सब अवस्थावां दे जीवां दी ते हरेक दे हाल दे मुताबक अगवाई केवल पारब्रह्म परमेश्वर ही कर रहा है। साडे ख्यालां साडे फुरनियां करमां जां तजर्बियां दी जड़ विच भी इसे इको शक्ति दी प्रेरणा लुकी हुई है। जो हर लोड़े सो करे सोई जी कराना। जां फिर सतगुरु आखदे ने जी जंत सब तुद उपाए जित जित पाणा तित तित लाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच इस ख्याल नूं बड़ा स्पष्ट किया गया है। वाहिगुरु ही सारिआं नूं चंगे पासे प्रेरदा है ते वाहिगुरु ही हरेक दी रहनुमाई उसकी अवस्था ते लोड़ मुताबक करदा है। वाहिगुरु ही समा आउण ते जीव नूं गुरु दा मेल करवाउंदा है ते वाहिगुरु ही जीव कोलों भजन सिमरन जां आराधना करवाउंदा है। वाहिगुरु ही जीव दे मन विच समा आउण ते ज्ञान प्रगट करदा है। गुरु दे मिलाप दी जड़ विच वाहिगुरु दा हुक्म जां मर्जी छुपी हुंदी है। गुरु परमात्मा नूं मिलाउण दा एक वसीला ते जरूर हुंदा है पर इस वसीले नूं पैदा करन वाला वाहिगुरु आप हुंदा है। आदमी दी सत मार्ग दे राह ते कदम कदम ते अकाल पुरख वाहिगुरु दी प्रेरणा ते सहायता हुंदी है। जिवें सतगुरु महाराज गुरु नानक देव फरमाउंदे ने कर कृपा गोबिंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक। अथवा गुरु रामदास जी आखदे ने जिन्ना मस्तक तुर हर लिखिया तिन्ना सतगुरु मिलिया राम राजे। अथवा गुरु अमरदास कहिंदे ने जिनका पूर्व लिखिया तिन्ना सतगुरु मिलिया आए। अथवा गुरु नानक देव जी आखदे ने नदर करें जे अपनी तां नदरी सतगुरु पाया। अथवा गुरु रामदास जी श्री राग विच इस तरह कहिंदे ने आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पिछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जले समाए। सब थावां ते सब मनुखां विच सब धर्मां विच पैगंबर दी अल्लाह नालों गुरु दी ईश्वर नालों अवतार दी पारब्रह्म नालों ज्यादा इज्जत मानता ते पूजा हुंदी वेख के मैं बड़ी हैरानी नाल सोचना। इसका वड्डा कारण यह है कि आम लोकां नूं निर्गुण अकाल अजूनी निरपाओ निरवैर वाहिगुरु दी सार ना होण करके उन्हां दे दिमाग सूखम अथवा सत चित आनंद वाहिगुरु दा ध्यान जां तसव्वुर अपने ख्याल विच नहीं लिया सकदे।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਗੁਰੂ, ਰਹਿਬਰ, ਰਿਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥੂਲ ਖਿਆਲ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ ਕਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਜੋ ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਖਮ ਵਸਤੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਵਾਕ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਇੱਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੀਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾ ਹੀ ਥਾਉ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਤੇ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੜਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਟਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੜੀ ਮੱਧਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਲਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਵੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਾਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪੂਰਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਛਲ ਤੇ ਬੇਬਲ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦਾ ਆਗੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਤੀਸਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ, ਦਿਲ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸਤਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਭਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਮਦਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਭਿਆਸੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਮਤ, ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉੱਦਮ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਭਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ, ਕਮਾਈ ਦਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਬ ਆਖਿਆ, ਪੂਛਤ ਪਥਿਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਰੈ ਪੱਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਹਿ ਜਾਈਏ, ਪੂਛਤ ਹੈ ਬੈਦ ਖਾਤ ਔਖਦ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸਹਿ, ਕੈਸੇ ਮਿਟੈ ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਐ, ਪੂਛਤ ਸੁਹਾਗਨ ਹੋਇ ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣ ਕੈ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਭਚਾਰ ਕਤ ਸਹਿਜਾ ਬੁਲਾਈਐ, ਗਾਏ ਸੁਨੇ ਆਂਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਐ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜੋ ਲਉ ਨਾ ਕਮਾਈਐ। ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੇ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਡੋਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਸਤ, ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਧੁੱਪ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ।
उद्यमी आदमी नूं इह गल बड़ा हौसला दिंदी है। उस नूं इह यकीन हो जांदा है कि उसकी हर कोशिश का पूरा मुल पवेगा। वाहिगुरु उसे नूं अनेकां पैंडा अगे आके मिलदा है जिहड़ा आप भी एक दो कदम उसके रस्ते ते तुरन की खेचल करे। जिस तरह सूरमा शस्त्रां की पूजा करता है, बिल्कुल उस तरह मैं उद्यम मेहनत अभ्यास का पुजारी हाँ जिहड़े वाहिगुरु की कृपा का दूसरा नाम ने। गुरबाणी विच वाहिगुरु की कृपा नूं प्रगट करन दा साधन गुरु के सिख दा संजमी जीवन, लगातार नाम अभ्यास, वाहिगुरु दा जस गा गा के उस दे सुभा तों वाकफ होना, धीरज ते संतोख नाल कीती गुरु दे उपदेश दी कमाई ते साध संगत दी निष्काम सेवा है। गुरु जी आखदे ने भाई दसवीं दस द्वार बस कीने, मन संतोख नाम जप लीने, करनी सुनिए जस गोपाल, नैनी पेखत सा दयाल, रसना गुण गावै बेअंत, मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाइए, नानक ए संजम प्रभ कृपा पाइए। सिमरन अभ्यासी दी खुराक। गुरसिख जां अभ्यासी बंदे वास्ते अपना आत्मिक सफर सफलता नाल तय करन दे लई ठीक खुराक खानी ते माड़ी खुराक तों संकोच करना चाहिदा है। भावें सिमरन अभ्यास दे पक जाण नाल खुराक दा अभ्यासी दे जीवन उत्ते बहुता असर नहीं हुंदा, क्योंकि वह अपने अंदरले रंग विच सदा रंगिया रहिंदा। पर हरेक आत्म मार्ग के पांधी लई, खास करके पहलियां अवस्थावां विच खाण पीण दीआं चीज़ां दा इंसान दे सिर्फ शरीर उत्ते ही असर नहीं हुंदा, सगों उस दे सुभाव उत्ते जां उस दे ख्यालां उत्ते भी असर पैंदा है। गुरु के सिख दा जीवन मनोरथ दुनिया दे आम लोकां नालों वखरा हुंदा है, इसलिए उसकी खुराक भी आम लोकां वर्गी नहीं हो सकती। अपनी खुराक की चोण संबंधी अभ्यासी गुरमुखां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच खाण पीण ते पहनण संबंधी लिखे इन्हां सुनहरी असूलां दा सदा ध्यान रखना चाहिए। बाबा होर खाणा खुशी खुआर, जित खाद है तन पीड़ी है, मन मह चलै विकार, जां बाबा होर पहनण खुशी खुआर, जित पैदे तन पीड़ी है, मन में चले विकार। इन्हां असूलां दे चानण विच अभ्यासी बंदे नूं अपने खाण पीन जां पहनण दे संबंधी सारी व्यौंत करनी चाहीदी। मास खाणा। आम तौर ते जीव हत्या दे ख्याल नाल मास नहीं खादा जांदा, पर सर जगदीश चंद्र बोस हिंदुस्तान दे प्रसिद्ध साइंसदान ने विज्ञानक तरीकों नाल सिद्ध कर दिता सी कि दरख्तां, पौद्यां, सब्जियां ते फलां विच ना केवल जीवां वांग सगों जान है, सगों उन्हां विच दुख सुख महसूस करन दी शक्ति भी जीवां वांग ही मौजूद है। भावें गुरमत विच कई सौ साल पहलां तों इंसान दा जीव हत्या तों बच सकना असंभव दस्या है। गुरु जी कहिंदे ने, जेते दाणे अन्न के जियां बाज ना कोए, पहला पाणी जियो है, जित हरिया सब कोए। पर सर जगदीश चंद्र बोस दे विज्ञानक तौर ते सब्जियां फलां आद विच जीवन ते महसूस करन दी शक्ति सिद्ध करन नाल जीव हत्या दे असूल नूं बड़ा नुकसान होया। जदों इंसान श्वास लैंदा, खांदा पींदा, तुरदा फिरदा, सौंदा जागदा जीव हत्या तों बच ही नहीं सकदा, तां उसदा जीव हत्या दे ख्याल नाल मास खाणा जां ना खाणा कोई बहुते वड्डे अर्थ नहीं रखदा। जीव हत्या दे मसले ने हिंदू कौम नूं कमजोर ते
गुलाम बनाउण विच बहुत उगा हिस्सा पाया। इसे गल दा ख्याल सिख कौम दी नीं रखण वेले रख्या गया सी, इसे करके सिखां विच मास खाण दी खुल है। अगर जीव हत्या दा ख्याल छड़ दिता जाए तां विचार गोचरी गल सिर्फ इथों तक विच रह जांदी है कि श्री गुरु नानक देव जी दे खाण पीण संबंधी पिछे लिखे मां वाका अनुसार मास खाना चाहिए कि नहीं, कि एक ऐसी खुराक है जिस नाल मन विच विकार पैदा होंदे ने जां तन विच रोग होंदे ने। इस संबंधी मेरा निजी तजर्बा है कि मास की बहुत ही वरतों विषय विकारां दी रुचि भड़काउंदी है, ते खास करके इंसान की विचार शक्ति नूं कमजोर कर दी है। इसलिए जिन्ना मित्रां दे दिल विच आत्मिक होज दा चाह होवे ते बंदगी करके वाहिगुरू नूं मिलण दी रीझ होवे, ओ मास नूं जिन्ना घट वरतन उन्ना ही चंगा है। ऐसे मित्रां नूं दुध सब्जियां ते फलां दी वधेरे वरतों करनी चाहीदी है। मैं आप मास नूं साल साल पर छड़ के ते रोज खा खा के वेख्या है, ते इस ख्याल दा हामी हां कि हफ्ते विच एक अद्धी वारी मास खाण नाल ग्रिस्थी अभ्यासी अपनी आत्मिक खोज नूं निर्विघन कायम रख सकदे ने। जो अभ्यासी मास नूं इस लई बिल्कुल नहीं खांदे कि आत्मिक खोज लई चंगी ते निर्मल खुराक नहीं, उह चंगा ही करदे होणगे, पर मैं इस ख्याल नाल सहमत नहीं कि आत्मिक खोज मास छड्डे बगैर हो नहीं सकती। अभ्यासी गुरमुखां नूं सदा थोड़ा खाण की आदत पाउणी चाहीदी है। थोड़ा खाण का भाव सिर्फ इन्ना है जिस नाल शरीरक शक्ति ते पूरी कायम रवे, पर मेदे उत्ते इन्ना बोझ ना पवे कि वह 24 घंटे खुराक हजम करने विच ही रुझ्या रवे। डाक्टरां दी खोज ने साबित कर दिता है कि आम इंसान जरूरत नालों बहुत वध खांदे ने, ते बहुत सारियां इंसानी बीमारियां दा कारण सिर्फ ते सिर्फ जरूरतों वध खाना ही है। जिन्ना गुरु के सिखां दे मन विच सिमरन अभ्यास दी रीझ पैदा हो जाए उन्हां वास्ते रात दा खाना संध्या वेले खा लैण दी आदत पाउणी बड़ी लाभवंदी गल होवेगी। संध्या वेले दा भाव शाम वेले दा खादा होया खाना अद्धी रात तक जां सवेर वेले तक हजम हो जांदा है, जिस करके अभ्यासी दा मन अमृत वेले प्रभु दे सिमरन विच आसानी नाल जुड़ सकता है। कमजोरियां तो बिना कोई इंसान नहीं हुंदा। आत्म साइंस दे मुताबक शरीर धारण करन वाले हरेक पुरश विच कमजोरियां हुंदियां ने, ते इन्हां कमजोरियां करके ही जीव नूं मुड़ मुड़ शरीर धारण करना पैंदा। फारसी दे मशहूर कवि उमर खयाम दा कथन है, ना करदा गुनाह दर जहां कीस बगो, आं कस के ना करदा गुनाह चूं जीस बगो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच भी यह ख्याल कई थावां ते दर्ज है। माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गत ए ही। जां फिर श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने, भुल्लण विच किया सब कोई करता आप ना भुल्लै। जिथे कमजोरियां इंसान दे सुभा दा जरूरी अंग ने, उथे इन्हां कमजोरियां नूं जितना ते इन्हां तों आजाद होना मनुखी जीवन दा आदर्श है। इंसान घड़ी मुड़ी क्यों जन्म मरण दे चक्कर विच पैंदा है, कमजोरियां करके, ते कमजोरियां उते फतेह पाण दे मौका दिता जाण करके। ये बिल्कुल इसे तरह की गल है जिवें बीमार आदमी बीमारी करके ते बीमारी तों आजाद होण वास्ते हस्पताल जांदा है। जो बीमार नहीं उसनू हस्पताल जाण दी लोड़ नहीं। जिस आत्मा विच कमजोरियां नहीं उसनू 84 दे गेड़ विच आउण दी लोड़ नहीं।
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨਕ ਸਰੀਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਿਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਵੇਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੰਧੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਐਬਾਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਟਕਾਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਹੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੋਂ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਅਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੋਟਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਰੋਕ ਕੇ ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਿਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੀਕ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਆਖਣ ਦੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ, ਭਾਵ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਐਬ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਔਗਣ ਪਰਖਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਬੀਰ
सब ते हम बुरे, हम तज पढ़ो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। जा महान कवि जफर लिखते ने, ना थी हाल से जब हमें अपनी खबर, रहे देखते गैरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, मेरी नजरों में कोई बुरा ना रहा। गुरु दी पूजा, गुरु दी पूजा उस तरीके नाल होनी चाहिदी है जिस विच गुरु प्रसन्न होवे। जो आदमी गुरु दी पूजा अपनी खुशी वास्ते करदे ने, वो गुरु दी खुशी दे पात्र नहीं बनन लगे। गुरु दे सिखां दा सब तो वड़ा फर्ज यह वेखना है कि गुरु दी खुशी किस गल विच है, किहड़े कम गुरु नूं प्रसन्न कर सकदे ने, ते किहड़े कमां दे करन नाल सानूं गुरु दी नाराजगी वेखनी पवेगी। सिख तां गुरु दा सच्चा आशक हुंदा है, ते इश्क विच बंदा ओ कुछ करदा है जो उस दे प्यारे दी यार दी खुशी दे सके, अपनी खुशी वास्ते नहीं। सच्ची मुहब्बत दी पहली शर्त है कि अपनी खुशी अपने प्यारे दी खुशी तो कुर्बान कर देना, प्यारे दी रजा विच रहना, ये प्यार दा मुढ़ला नियम है। जिस गुरु के सिख ने इस राज नूं समझ लिया, उसने सिखी दा मूल समझिया जाणो, ते जिसने गुरु दी खुशी पिछे अपनी खुशी नूं कुर्बान करना नहीं सिखिया, वो बाहरों भावें किन्ना वड्डा सिख क्यों ना बनिया फिरे, गुरु घर दी मर्यादा नूं बिल्कुल नहीं जे समझदा। आत्म मार्ग दे पांधियां नूं पता होना चाहिदा है कि भगती जां इश्क उदों ही संपूर्ण हुंदा है जदों आदमी अपने अंदरली हौमै नूं पूरे तौर ते खत्म करके ते वाहिगुरु दे प्यार नूं पूर्ण तौर ते अपने विच प्रगट कर लवे। गुरु दी पूजा भगती दे आदर्श हौमै दा नाश करन विच ते रब दे प्रगट करन विच बहुत सहायता करदी है। इस वास्ते रब दी प्राप्ति गुरु दी खुशी दी प्राप्ति ते निर्भर कही जांदी है, पर आम तौर ते वेख्या यह जांदा है कि सिखी दे असल निशाने नूं भाव गुरु दी खुशी प्राप्त करन नूं अखों ओहले करके बहुते सिख गुरु दी पूजा नूं केवल अपनी खुशी पूरियां करन वास्ते वरतदे ने। सवाल पैदा हुंदा है कि गुरु दी खुशी दी पछाण कीती किवें जावे, किवें तसल्ली कीती जावे कि गुरु दी खुशी की है। मैं इस दे जवाब विच गुरु के सिखां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़न दी सिफारिश करांगा, जिथे गुरु ने सिख तों कोई वड्डी तों वड्डी गल वी लुका के नहीं रखी। जिस सिख ने गुरु दे उपदेश नूं गुरु दे आशे नूं समझना होवे, उस नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा अखां खोल के पाठ करना चाहिदा है। इस तरह करन नाल उस नूं साफ साफ पता लग जाएगा कि गुरु दी खुशी की है ते उनूं प्राप्त करन वास्ते सिख नूं की करना चाहिदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अखां खोल के पढ़न वाले गुरु के सिख नूं जिथे यह पता लगेगा कि गुरु दी खुशी किस गल विच है, उथे यह भी बहुत अफसोस जापेगा कि सिखां दी बहु गिणती इस वेले जो कुछ भी कर रही है गुरु दी खुशी हासिल करन वास्ते नहीं, सगों अपनी खुशी हासिल करन वास्ते कर रही है। सच दे खोजी नूं अपनी ढूंढ विच कई वार बड़े हैरान करन वाले नतीजियां ते पहुंचना पैंदा है, ते उस नूं सब तों वध हैरानी उदों हुंदी है जदों उस नूं पता लगदा है कि उसका गुरु अपनी पूजा करवा के कदे खुश नहीं हुंदा। उस दे गुरु की खुशी अपनी पूजा करवाउण विच हरगिज नहीं, उसका गुरु अपनी पूजा करन वाले सिख नूं चंगी नजर नाल नहीं वेखदा, उसनूं अपना पुत्तर नहीं जानदा, एक भिखारी जां एक मंगता ही समझदा।
गुरु दे सिख दी उस वेले हैरानी दी हद नहीं रहिंदी जदों वेखदा है कि गुरु अपनी पूजा करवाउण दी बजाए उस सिख नूं चंगा समझदा है जो अपने आप नूं गुरु पासों गुरु दा सारा कुछ लैण सारा कुछ हासिल करन दे योग बनावे। उस नूं हैरानी नाल पता लगदा है कि जिवें ओह अपनी खुशी गुरु दी खुशी विच समझदा सी उसे तरह गुरु दी खुशी उस नूं अपना सारा कुछ दे देण विच अपने वर्गा बनाउण विच अपना सारा कुछ मालक अपना सारा कुछ दे के मालक बनाउण विच। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा अखां खोल के कीता पाठ सिख नूं इह यकीन दिवा दिंदा है कि गुरु दी सब तों चंगी ते वड्डी पूजा गुरु दी गल नूं समझणा ते समझ के उसदा आदर करना है। सिखी सिख्या गुर विचार, गुरु दी रमज नूं गुरु के संदेश नूं समझ के अपने जीवन विच कटाउण वाले सिख उत्ते गुरु आशक हो जांदा है ते सच्चे आशकां वांग अपना सारा कुछ सिख नूं अर्पण कर देंदा है। अपनी खुशी सिख नूं अपना सारा कुछ अपने राज अपनियां शक्तियां अपना ज्ञान अपनी बरकत देण विच समझदा है। ऐ गुरु के सिख तेरा गुरु खुद अरोग है ते तैनूं अरोग बनाउणा चाहुंदा है, खुद जीवन भेद नूं समझदा है ते तैनूं जीवन भेद समझाउणा चाहुंदा है, खुद बेमुथाज है ते तैनूं बेमुथाज देखना चाहुंदा है, खुद अकाल पुरख दा रूप है ते तैनूं अकाल पुरख दा रूप बनाउणा चाहुंदा है। तेरा गुरु किसे दिन उस अवस्था ते पहुंचाउणा चाहुंदा है जिथे गुरु ते सिख विच ते वाहिगुरु विच कोई भेद ना रवे। वेख गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने आख्या सी, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हौ करो निवास, जां आत्म रस जेहे जन ही सो है खालस देव, प्रभ मैं मोह मह तास मह रंचक नाहिन भेव, अथवा हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जाणो मानस देहा। गुरबाणी विच स्वै विरोधी ख्याल, सिख धर्म विच एक पासे ए गल मन्नी गई है कि जो कुछ भी हुंदा ओ वाहिगुरु दे हुक्म विच हुंदा अते इस हुक्म विच किसे दा दखल नहीं हुंदा, भाव मनुख दे हाथ विच कुछ भी नहीं। जिवें महाराज गुरु अर्जन देव जी श्री सुखमणी साहिब विच फरमान करदे ने, करन करावण आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, जां मारै राखै एको आप, मानुख कै किछ नाहीं हाथ। इन्हां बचना विच स्पष्ट तौर ते वर्णन कीता गया है कि करवाउण वाला ते करन वाला दोवें पासे ओ आप ही है, एक पासे ओ करवाउंदा है ते दूसरे पासे ओ करदा है, मनुख दे हाथ विच कुछ भी नहीं हैगा। श्री गुरु अर्जन देव जी माझ राग विच इस तरह भी आखदे ने, जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन, भाव अकाल पुरख वाहिगुरु जो चाहुंदा है ओहा करदा है ते जीव ओहा कुछ ही कर सकदे ने जो वाहिगुरु उन्हां तों करवाउणा चाहुंदा है। फिर सतगुरु जी गौड़ी राग विच इस तरह भी समझाउंदे ने, काठ की पुत्री कहां करे बपुरी, खिलावन हारो जाने, जैसा पेख करावे बाजीगर, ओह तैसो ही साज अन्ने। भाव इंसान मिट्टी दा पुतला है, वह अपने आप कुछ भी करन दी समर्था नहीं रखता। यह तां इसनों खिडाउण वाला ही जानदा कि इस कोलों की कुछ करवाउणा है ते ओ इसनों जो कुछ करन वास्ते प्रेरदा है ये ओहा कुछ ही करदा है। पर नाल ही सिख धर्म विच इस गल उत्ते भी बहुत जोर दिता गया है कि हे इंसान उठ उद्दम कर मेहनत कर नेक बण गुरबाणी पढ़ सिमरन कर
अपने करतार नू मिल। मनुखा जन्म तैनू वेले बैठन वास्ते नहीं मिलिया। श्वास श्वास उत्ते पहरा दे, हरी दा सिमरन कर, हरी दे गुण गा, दसा नवां दी कमाई कर, उस विचों अपना निर्वाह भी कर ते होर लोड़वंदां दी वित अनुसार मदद भी कर। पर उपकार दा जीवन बतीत कर। जिंदगी एक मेहनत अते मशक्कत दा नाम है। वेले निकम्मे ते हड हरामी बनन दा नाम नहीं। गुरु जी इस तरह आखदे ने, उद्दम करेंदिया जियो तू, कमावंदिया सुख पुंच, ध्याएंदिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। जां फिर सतगुरु इस तरह भी प्रेरणा करदे ने, सुन सखिए मिल उद्दम करे हां, मनाए लै हर कंत है। अथवा उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम। जां श्री गुरु नानक देव जी जपजी साहिब दे अखीर विच सलोक विच फरमाउंदे ने, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल। अथवा काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे से। श्री गुरु अर्जन देव जी ने गौड़ी राग विच दो थावां ते वख वख इस तरह आख्या, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। अथवा सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। इन्हां सारियां विचारां दा पावे होया कि सिख धर्म विच इन्हां दोहां उपदेशां उत्ते बहुत जोर है। ते पहला पहले सच दे खोजी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे असल उपदेश नूं समझण विच बहुत मुश्किल आउंदी, क्योंकि ये दोवें उपदेश एक दूसरे दे विरोधी जापदे ने। जेकर ये भी सच है कि काल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आया चिंता, तां फिर सुन सखिए मिल उद्दम करे हा, मनाए लै हर कंत है, इस गल दी की लोड़ है। जेकर साडा कीता कुछ भी नहीं होना, तां फिर यतन क्यों करिए, मशक्कत क्यों घालिए, मत्था क्यों रगड़िए, क्यों वंड के छकिए, क्यों कुर्बानी करिए, सेवा करन दी लोड़ की है। चंगी तरह विचारण नाल पता लगेगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच ये दोवें उपदेश वख वख दो अवस्थावां दे सिखां वास्ते लिखे गए ने, जिन्हां दी अवस्था विच पहली जमात दे विद्यार्थी अते एमए दी जमात दे विद्यार्थी दी समझ वाला फर्क है। डॉक्टर दे कोल मरीज वेखण समय जे कोई बह जाए तां वेखण वाले नूं लगेगा बई डॉक्टर बड़ियां अजीब गल्लां करदा है। किसे मरीज नूं सेक करन वास्ते कहिंदा है ते किसे दे सिर ते बर्फ रखण दीआं गल्लां करदा है। कदे किसे नूं ठंडियां चीज़ां खाण दा हुक्म करदा ते किसे नूं गर्म चीज़ां खाण दीआं गल्लां करदा है। किसे नूं ठंडियां चीज़ां खाण दे लई आखदा है ते किसे नूं गर्म चीज़ां खाण दी हिदायत करदा है। डॉक्टर दा मरीजां नूं इस तरह दी राय देना इस वास्ते ठीक अते जायज है कि मरीजां दीआं तकलीफां, बीमारियां ते जरूरतां वख वख तरह दीआं हुंदियां ने। इसे तरह शरीरक रोग भी वख वख हुंदे ने ते उहनां दा इलाज भी वख वख हुंदा है। इसे तरह मन दे रोग भी भांत भांत दे हुंदे ने ते उहनां नूं दूर करन दे तरीके भी एक नहीं हो सकदे। एक दवाई किसी खास किस्म के मरीजों वास्ते तो बड़ी लाभदायक हो सकती है, पर वह दवाई दूसरी मर्ज वाले मरीज विच जहर का असर कर सकती है। कई बीमारियों विच संखिया भाव जहर अमृत वर्गी साबित होंदी है। फनियर सप्प दे जहर तो अजकल डॉक्टर ने अनेक तरह के
टीके तैयार किए ने जो के शरीर दियां दर्दां ते बीमारियां नूं दूर करन विच सचमुच अमृत वर्गा काम करदे ने। इसे तरह धर्म ग्रंथां विच जां महान पुरशां दे बचनां विच जिथे किते स्वै विरोधी ख्याल प्रतीत होण उथे काले पै के नुक्ताचीनी करनी, इस दी बजाए उन्हां विचारां दी तह तक पहुंचण दा यतन करना चाहीदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच्चों आम लोकां नूं धर्म दियां सारियां अवस्थावां तों जाणू होण दी लोड़ नहीं, अपनी अवस्था अनुसार उपदेशां नूं ग्रहण करना चाहीदा है ते अपनी समझ तों परे दे उपदेशां नूं केवल समझण वास्ते कोशिश नहीं करनी चाहीदी। इस तरह करना ये ओहो जी गलती होवेगी जिहड़ी गलती पहली जमात दा विद्यार्थी एमए दियां किताबां नूं समझण दी कोशिश करन विच करेगा। एमए दियां किताबां बीए पास करन मगरों ही समझ आ सकदियां ने। पहला समझण दी कोशिश करन वाले बंदे नूं परेशान ते निराश ही करनगियां। इस तरह सच दे खोजी दी अपनी खोज दे शुरू शुरू विच ही अंतम सच्चाई नूं समझ लैण दी गल करना यह ख्याल उसनूं मायूस कर देवेगा। मिसाल दे तौर ते सच दी अंतिम खोज यह है कि न किछ जन्मै न किछ मरै आपण चलत आप ही करै, जां फिर हर जन हर हर होया नानक हर इको। पर इस महासच्चाई दी पहली अवस्था दे खोजी नूं किवें समझ आवेगी? उसका पहला पहल इस सच्चाई नूं समझण दी कोशिश करना अपना समा खराब करन ते खोज वल्लों निराश होण वाली गल है। सिख धर्म दी आखरी पौड़ी उत्ते चढ़िया खोजी नूं इह गल सुते सिद्ध ही समझ विच आ जांदी है कि संसार दी रचना दी तह विच करतार दी व्योंत बंदी भाव करतार दा प्रोग्राम ते डिजाइन काम कर रहा है। पत्ता पत्ता वाहिगुरु दी रजा विच जां उस दे बनाए हुए नियमां दे अनुसार हिलदा है। उस नूं अपनी सेवा अपनी घालणा अपने यतनां दी तह विच वाहिगुरु दी प्रेरणा जां उस दा हथ प्रतीत हुंदा है। पर जे उह शुरू विच ही हुक्म दी फिलासफी नूं समझणा चाहुंदा तां हो सकदा सी कि किसी तरह वेला जां निकम्मा हड हरामी बन के बह जांदा। हुक्म जां पाणे दी फिलासफी बड़ी डूंगी सच्चाई है ते इस नूं समझण दी कोशिश शुरू शुरू विच इंसान नूं बहुत निराश करदी है ते उस दी आत्मिक तरक्की विच रोड़ा बन सकदी है। पर जदों गुरसिख सिमरन द्वारा अनुभव दे नेत्रां नाल अंदर दी घटना नूं देखण दा आदि हो जाए तां उह खुद वेखेगा कि किवें संसार दी सारी कार हुक्म विच भी चलदी है ते हर जीव भी किवें सुतंत्रता नाल अपनी किस्मत आप कर रहा है। जीव नूं फुरने ब्रह्म विचों किसी खास नियमां दे अनुसार आउंदे ने। इस जीव नूं तस्वीर दा दूसरा पासा ना दिसन करके ओ इन्हां फुरनियां दा करता अपने आप नूं समझदा है। इन्हां फुरनियां दे अधीन ही जीव दी सारी क्रिया कायम है। जो कुछ भी इंसान करता है वह अपने ख्यालां दी प्रेरणा दे अनुसार करता है। पर इन्हां ख्यालां दी असल उत्पत्ति किसी अदृष्ट स्थान तों हुंदी है। जीव जो कुछ करता है वह इस अदृष्ट अते अगोचर स्थान तों फुरनियां दी शक्ल विच रहनुमाई दी प्रेरणा अनुसार करता है। पर क्योंकि उसनूं अदृष्ट अते अगोचर हस्ती दा ज्ञान ही नहीं, इसलिए वह समझदा है कि वह अपने फुरनियां दा करता आप है। जिवें पानी विच बुलबुले ते तरंगा हवा दे छोण नाल पैदा हुंदियां ने, पर उतों इस तरह ही लगता है कि पानी इन्हां बुलबुलियां ते तरंगा नूं खुद पैदा कर रहा है। जे हवा ना होवे तां पानी विच अपने आप बुलबुले जां तरंगा पैदा करन दी शक्ति ही नहीं।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮਾਲੂਮ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਉਪਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਈਕਾਲੋਜੀ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ? ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਸੋਮੇ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਅਨਨੋਨ ਸੋਰਸ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਭਾਵ ਫਲੈਸ਼ ਆਫ ਆਈਡੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾਨੀ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਖਿਆਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਰ ਬੀਂਗ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ ਸਮ ਅਨਨੋਨ ਰੀਜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਘੜਦਾ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਆਲ ਤਰੰਗਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਰਾਜ ਰਹੀ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇਸ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਾ ਘਟਨਾ ਵਰਤਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ 95% ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜਾਏ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣਨ ਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।